हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो पर मैंने बनाया एक ड्रिल मशीन और फ्रेंड्स इसे मैंने 775 डीसी मोटर से बनाया है। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है तो मैंने बहुत ही इजी तरीके से बना कर दिखाया है। आप भी इसे इजीली घर पे बना सकते हो और फ्रेंड्स इससे आप अपना ड्रिलिंग का काम भी कर सकते हो। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। और फ्रेंड्स इसे कैसे बनाते हैं सारा प्रोसेस वीडियो पर दिखाया, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना। सबसे पहले फ्रेंड्स हमें चाहिए पीवीसी पाइप का सीट, उसके बाद फ्रेंड्स हमें चाहिए कुछ इस प्रकार का वुड का पीस और फ्रेंड्स इसके ऊपर के साइड पे मैंने और एक पीस को फिक्स कर दिया। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हम ग्लू देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स इस वुड का पीस को हम सीट के साथ कुछ इस प्रकार से फिक्स करेंगे और फ्रेंड्स देख सकते हो ये फिक्स हो गया है। उसके बाद फ्रेंड्स हमें चाहिए कुछ इस प्रकार का दो पीस और फ्रेंड्स मैंने इसे हीट देके एल शेप पे बेंड कर दिया और फ्रेंड्स इसे हम इस प्रकार से फिक्स करेंगे, एक को इस साइड पे फिक्स करेंगे और दूसरे को इस साइड पे फिक्स करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इसे अभी हम ग्लू गन की सहायता से फिक्स करेंगे। तो देख सकते हो फ्रेंड्स मैंने दोनों पीस को अच्छे से फिक्स कर दिया। उसके बाद फ्रेंड्स हमें चाहिए 775 डीसी मोटर और फ्रेंड्स इसका आरपीएम बहुत ज़्यादा हाई है तो यहाँ पर आप 555 मोटर का भी यूज़ कर सकते हो। और फ्रेंड्स इस मोटर को हम इस ऊंट के ऊपर कुछ इस प्रकार से फिक्स करेंगे और फ्रेंड्स हमें चाहिए कुछ इस प्रकार का एक पीवीसी पाइप का सीट और फ्रेंड्स मैंने इसे हीट देके कुछ इस प्रकार से बेंड कर दिया। तो देख सकते हो फ्रेंड्स ये मोटर इसके अंदर इजीली आ रहा है। तो चलिए इसे अभी हम कुछ इस प्रकार से फिक्स करेंगे। तो देख सकते हो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर दो होल काट दिया तो इसे हम स्क्रू की सहायता से फिक्स करेंगे। तो देख सकते हो फ्रेंड्स ये मोटर अभी बहुत ही अच्छे से फिक्स हो गया है। उसके बाद फ्रेंड्स हमें चाहिए SPST स्विच और फ्रेंड्स यहाँ पर आप पॉज स्विच का भी यूज़ कर सकते हो। तो स्विच के इस साइड पे हम ग्लू देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स इसे हम कुछ इस प्रकार से फिक्स करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हमें चाहिए ऑडियो सॉकेट और फ्रेंड्स यहाँ पर आप 12 वोल्ट सॉकेट का भी यूज़ कर सकते हो। तो इस सॉकेट को हम कुछ इस प्रकार से फिक्स करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इसे अभी हम ग्लू गन की सहायता से फिक्स करेंगे। तो देख सकते हो फ्रेंड्स मैंने सॉकेट को फिक्स कर दिया। उसके बाद फ्रेंड्स इसका कनेक्शन करेंगे। फ्रेंड्स पॉजिटिव वायर को हम स्विच के एक पिन पर कनेक्ट करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स वायर का दूसरा साइड को हम मोटर के पॉजिटिव पिन पर कनेक्ट करेंगे। स्विच का दूसरा पिन पे और एक वायर को कनेक्ट करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स मोटर के नेगेटिव पिन पे और एक वायर को सोल्डिंग करेंगे। तो देख सकते हो फ्रेंड्स मैंने इन वायर को कनेक्ट कर दिया। उसके बाद फ्रेंड्स इस दोनों वायर को हम सॉकेट के साथ कनेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स इसका कनेक्शन बहुत इजी है, आप भी कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स हमें चाहिए ड्रिल जैक सेट और फ्रेंड्स इसका बाय लिंक डिस्क्रिप्शन पे है तो आप चेकआउट जरूर करना। सबसे पहले फ्रेंड्स ड्रिल जैक का स्क्रू को हम एलन की किस सहायता से खोलेंगे।
उसके बाद फ्रेंड्स इसे हम मोटर के शाफ्ट के साथ कनेक्ट करेंगे। फिर से स्क्रू को हम एलन के साथ इसे कस देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हमें चाहिए ड्रिल बिट, और फ्रेंड्स मैं यहाँ पर 3 mm का ड्रिल बिट ले रहा हूँ। पहले इसे हम कुछ इस प्रकार से खोलेंगे। उसके बाद ड्रिल बिट को इसके अंदर सेट करेंगे। तो देख सकते हो फ्रेंड्स मैंने बिट को सेट कर दिया। उसके बाद फ्रेंड्स हमें चाहिए 12 volt पावर सप्लाई, और फ्रेंड्स इसे हम सॉकेट के साथ कनेक्ट करेंगे। तो देख सकते हो फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छे से चल रहा है। तो चलिए इसे ड्रिल करेंगे। तो देख सकते हो फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है, और आप इससे उठ पे भी होल्ड कर सकते हो। और फ्रेंड्स मैंने आपको इजी तरीके से बनाकर दिखाया है, आप भी इसे इजीली घर पे बना सकते हो। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।